चलते हैं सीढ़ी के उस पार। क्या होता है वहाँ? वहाँ क्या होता है? डार्क सीक्रेट ऑफ चंबल गार्डन। बताइए भाई, पकड़ते हैं उन लोगों को, तब बताते हैं अभी। चलिए देख लेंगे आज। आप लोग को कुछ नहीं कहेंगे गाइस, आप लोग आइए, लेकिन और सबको करेंगे। जा रहे हैं अभी ऑटो लेने के लिए, देखते हैं सब उनको, देखिए अपना हीरो को। तो ऑटो वाला भी बोलेगा कि 200 लेंगे, मतलब कहीं भी जाइए 200 लेंगे, लेकिन हम लोग भी बहुत बड़ा ढीठ है, इसलिए आपको लाइट दिखाते हैं। दिखाते हैं लाइट कितना, देखिए बोलिए। देखिए अब क्या बोले हम, तो हम लोग आ चुके हैं चंबल। आज आप लोग को दिखाते हैं चंबल में क्या क्या होता है, और देख सकते हैं मेरे भैया चिंटू भैया, और ये भी हैं जो कोटा में रहते हैं, ये भी भैया ही लगेंगे, और एक लड़का ये तो हीरो है। आज दिखाते हैं आपको चंबल के अंदर होता क्या है। क्या दिखाना जरूरी है ना, चंबल के अंदर क्या होता है? आप क्यों आए कोटा? दिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि बच्चा कैसे सुधरे, है कि नहीं? बोलिए ना आप, कहाँ आए कोटा? यही बच्चा को एक ज्ञान देने के लिए कि आप इस तरह ना बिगड़े, है कि नहीं? दिखा रहे, देखिए अभी सबको पकड़ते हैं तब बताते हैं। आज रुकिए जान, हाजिर है, आइए जान देने की। देखते हैं आज मैं करूंगा, मतलब ब्लॉग करूंगा और दिखाऊंगा चंबल में क्या होता है। पीछे ये ठीक है, कैमरा ऑफ कीजिए, बिहाइंड द सीन ठीक बंद कीजिए। अरे रुकिए ना, अरे हम कुछ नहीं करेंगे तब, अरे बंद कर दीजिए। अभी दिखाते हैं कौन कौन, मतलब क्या क्या होता है, हरियाली दिखाते हैं गाइस आप लोग को, कितना अच्छा हरियाली सब है वहाँ। देखिए, देखे कि नहीं कुछ, देखे देखे तो देख सकते हैं, उधर भी सब कुछ है गाइस, हरियाली सब भी है, देख सकते हैं। मतलब चंबल है कि मतलब आप आइए, मतलब घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, आपको मन नहीं लगे कभी डिप्रेस्ड फील हो तो यहाँ के बैठा कीजिए, बैठा कीजिए। आप लोग आए कितना बार चंबल आए आप लोग? वैसे हम लोग तो लगभग 5-6 बार आ चुके हैं, 2 साल मेरा सेकंड टाइम। आप कितना बार आए चंबल? हमारा तो गिनने नहीं है डेली, पता है जिंदगी में ना कभी कभी ऐसा होना चाहिए ना, हाँ, कि बिना मतलब का कहीं चल जाए। क्यों ऐसा क्यों? हमेशा मतलब से नहीं जाना चाहिए, काम है तभी आएंगे, कोई मतलब कभी कभी चल दो ऐसे ही कभी। यहाँ देखिए हरियाली ही हरियाली है, हम नहीं रह पाएंगे, हम जा रहे हैं। तुम जाएगा? हाँ, हम ऐसे कैसे हम वीडियो बनाए बताइए, देखो बताइए, रहने का है वो बताइए, हैं कैसा फील हो रहा है? बेकार फील हुआ होगा दूसरे को देख करके, अब हाँ। सिंगल के मन में क्या होता है वो आप कमेंट करके बताएं, कमेंट में जरूर बताएं। शशि सिंगल एंड रेडी टू बी सिंगल, यहाँ बस कैमरा के आगे बोला जा रहा है सिंगल है, कौन सिंगल है नहीं सिंगल है पता नहीं, बताइए। इतना हैंडसम सब लड़का सिंगल रहता है, हैं? सिंगल है बाबा, अरे दिल से सिंगल है, और इतना दिमाग से सिंगल है कि कोई सोच भी नहीं सकता। गाइस अगर कोटा में कोई पसंद करे तो ये सिंगल है, इसको कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम में, लिंक दे दिया, लिंक में आप लोग का डाल देंगे। शशि इतना सिंगल है कि शशि के कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, शशि के रूम में 3-4 हज़ार खर्च कराओगी, सुनिए ना, महीना का 3-4 हज़ार खर्च कराओगी कराने के लिए, सीधा तैयार है, टेंशन मत लो, सीधा बोला हाँ, 1,000 एक्स्ट्रा भी जोड़ लेना, 3-4 नहीं 10,000 करने के लिए तैयार है महीना, हाँ ये मतलब तैयार है बस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना, अब बिना हिचकिचा मैसेज करना ही नहीं कि एटीट्यूड मतलब ही सब कुछ, वो सब चीज़ नहीं, एटीट्यूड नहीं चाहिए, आराम से वो व्यू दिखा भाई, दिखा रहे हैं अभी तक, कितना खतरनाक लुक है, अरे वो लोग कहीं और जा रहे हैं, ठीक है देख सकते हैं गाइस कितना मस्त लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है चंबल गार्डन आने के बाद। गाइस कोटा में अगर आए हैं तो चंबल जरूर आए गाइस, क्योंकि कभी मन ना लगे डिप्रेस्ड फील हो रूम में तो आए। यहाँ देखिए लेडीज लोग हैं, पंचायती कर रही है,
लेडीज लोग का एक होता है ना कि मन ने लगा पंचायती कर लिया। देख सकते हैं कितना सुकून देने वाला ये मतलब जगह है, बैठिएगा तो लगेगा एकदम सुकून मिल गया जिंदगी का। आई थिंक दिस टाइप का मजा। गाइज ये जो एरिया है मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है जो कपल है उनके लिए तो एकदम अच्छा जगह है, तो लैंडमार्क सब मत घुमा कीजिए, वहाँ पकड़ा जाइएगा तो बहुत मार खाइएगा। एलएन के आसपास मत घुमा कीजिए, आइए इधर उधर मतलब एकदम फील जाएगा एक अच्छा सा। हम लोग का क्या है, बस अकेला जिंदगी है, भगवान करे हम लोग के भी लाइफ में हरियाली दे, जल्द ही देंगे क्या है कि नहीं, भरोसा है भगवान पे, बस अपने पे तो नहीं है, अपने पे से उठ गया है भगवान पे। गाइस मतलब जान जा रहा है, अभी नहीं पियेंगे तो लगता है ना पहुंच भी पाएंगे कहीं आगे जिंदगी में, क्या है कि नहीं, जिंदगी में क्या है अभी पहुँच नहीं पाएंगे यहाँ। वही तो मतलब हरियाली सब देख रहे हैं तो इनर्जेटिक हो रहे हैं, तो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। अंधा गर्मी है यहाँ पे, कोटा का गर्मी तो यहाँ रहता है तगड़ा गाइस, है कि नहीं। यहाँ पे जानते हैं गाइस एक चीज बताएं, बहुत जो है ना छपरी लोग आता है रील्स बनाने, रील्स बना के पता नहीं फेमस कैसे होता है, इसीलिए एक बार हम भी आए, हम छपरी हैं नहीं छपरी मत समझिएगा, फेमस होना चाहते हैं। टिंटू भैया इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्या नाम है इंस्टाग्राम पे आपका आईडी हो? आई एम विवेक यादव। मेरा डिटॉक्स यादव, डिटॉक्स यादव इनका गेमिंग चैनल है गाइस, सपोर्ट करें पूरा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हिल रहा हो ला, कहीं गिर ना जाए। आज जानते हैं अरे साला गिर जाएंगे, चलिए जाएंगे, अभी तो मेन चीज आप देखे ही नहीं गाइस, आगे जो मिलेगा वो तो असंभव है, आपको मतलब कहीं मतलब अभी आप रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, कहीं और जाने के लिए मजबूर हो जाइएगा, मतलब चंबल फिर से आप भी सोचिएगा चंबल हम आ जाए, है कि नहीं विवेक भैया? बहुत ज्यादा। अरे आप क्या देख लिए जो इतना आप एनर्जेटिक हैं? माय गॉड। अरे अभी नहीं, बिहाइंड द सीन, पहले वहाँ कैंटिंग होता था जो कि अब सुनसान पड़ा हुआ है, लगता है कोई लूट वूट लिया है कि नहीं, लग रहा है कुछ और ही होता है वहाँ पे। ठीक है गाइस पहले ये सब देखिए कितना तगड़ा है, यहाँ के आइए आइए कभी आइए, हम तो नहीं आएंगे, जिसके पास है वो आए, वहाँ देख सकते हैं बिहाइंड द सीन। क्या कैसा फील हो रहा है आप लोग को इस ठंडक में अभी आने के बाद? ऑक्सीजन मिल रहा है, तृप्त मिल रहा है आप शरीर को? आज ना ऑक्सीजन देने वाला यहाँ बहुत कम आया है, क्या नहीं कम नहीं आया, अभी समय नहीं हुआ, समय नहीं हुआ है, अभी एक बज रहा है, एक डेढ़ बज रहा है ना, हाँ वही दोपहर है, चार बजे के बाद दिखना शुरू होता है। आपका क्या विचार है? आप देखना चाहते? विचार यही है, इतना गर्मी में यदि आप आते हैं तो किसी पेड़ के नीचे कोने में और किसी को आराम से लेकर किसी मतलब बेस्ट फ्रेंड को लेकर, मतलब कोई अच्छा दोस्त है जो आपका फीलिंग समझता है, जैसे विवेक भी हैं और ये डिटॉक्स भी हैं, ये एक दूसरे को पहचानते हैं अच्छा से, समझते हैं, दोस्त नहीं चाहिए ना वहाँ पे, ऐसा नहीं है, अपने दोस्त को लाइए, बहुत ज्यादा गर्मी, ये बोरिंग कर रहे हैं आज आपको ना, किसी कोना में लेके जाइए और उसको ऑक्सीजन दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहती है तो किसी कोना में ऑक्सीजन ज्यादा है तो दीजिए आराम से, इनहेल एक्सहेल कीजिए। अरे हमको ये सब पता नहीं था, थैंक यू भैया लोग ज्ञान देने के लिए, हम भी अब एनी टाइम भाई एनी टाइम, हम लोग भी अब ये जो है ना लैंडमार्क वाले को पहुंचाते हैं कि आप लोग यहाँ पे आइए, वहाँ आपको मार खाने का डर है, यहाँ आप सेफ जोन में है, बताइए आप लैंडमार्क, लैंडमार्क जवाहर नगर वाले भी आपको भी एकदम आइए, चलते हैं सीढ़ी के उस पार, क्या होता है वहाँ, वहाँ क्या होता है, डार्क सीक्रेट ऑफ चंबल गार्डन, बताइए पकड़ते हैं उन लोग को तब बताते हैं अभी, चलिए देख लेंगे आज, आप लोग को कुछ नहीं कहेंगे गाइस, आप लोग आइए लेकिन और सबको करेंगे, ऊपर चढ़ रहे हैं उसके बाद देखते हैं उस साइड जाके क्या क्या कर रहा है सब, है कि नहीं वे भी फुट यहाँ पढ़ने आता है, क्या करने आता है, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं गाइस, आप लोग आ सकते हैं, आप लोग तो पढ़ते हैं भर दिन, जानते हैं कभी मन नहीं लगे आप लोग आ जाइए, लेकिन और सबको देखते हैं ठीक है, गिर जाएंगे फोन गिर जाएगा, आईफोन 13 प्रो मैक्स हो जाएगा ठीक है। कुछ गाइस धंधा हो रहा है, आपको धंधा दिखाते हैं, आप लोग को भी मेन चंबल दिखाएंगे गाइस, ये सब जो है
देख सकते हैं कितना बैठने का स्पॉट है, देख सकते हैं। तो आपको चलते हैं मेन संभल के लेके, आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर का नजारा, अंदर की बात बताते हैं। देखिए वहाँ देख लीजिए, अब नहीं दिखाएंगे तो मारेगा हमको बहुत मार यहाँ का लोग। हे ओ, ये कौन है? और डार्क आगे है, सब पता है लोंडे को, इसको इसको अंदर का बात पता पता है इस बंदे को। अभी आगे क्या मिलने वाला है मेरे गाइस को बताइए, आगे क्या मिलने वाला है? डार्क सीक्रेट, आगे डार्क सीक्रेट ऑफ एक झूला चंबल मिलेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, आप जहाँ जाते थे वो जगह बताइए, जो कि हम लोग का जो है नया जनरेशन उसे पता चले कि कहाँ सेफ जगह है चंबल में, क्या है कि नहीं। आप आगे जाकर वहाँ पर मंदिर मिलेगा, वहाँ जाकर आप पूजा अर्चना कांचा सब कर किधर, अरे काम नहीं है। ठीक है गाइस, आपको आगे ले चलते हैं, सीक्रेट का पहला नजारा चंबल कांटे में। ये देखिए आगे बहुत कुछ ही मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ जुड़े हैं, बस दिखाते हैं अभी आपको आगे चल के। आगे चलिए, हम चलिए आगे ब्लॉग में। पानी खरीदने के लिए प्यास से पागल हो गए, पागल हो गए आधा तो हो गए, फिर आप लोग को मतलब जुड़े रहे, ऐसा ऐसा चीज दिखाएंगे ना चंबल के अंदर कोई नहीं दिखाएगा आपको, दिखाते हैं ना क्या धांधली धांधली क्या होता है। गाइस ये देखिए, आप लोग थक गए हम ब्लॉग बनाते बनाते, तो अभी कोल्ड ड्रिंक चार ग्लास में भर लिए हम लोग, चार लोग हैं। और ये जो है ना पचवा ग्लास किसके लिए दिया है आ रही है, वो उसका अभी चेहरा जो है ना मतलब रिवील नहीं किया है, वो है एक बुलाने वाली है, आ चुकी है इसी में, आ चुकी है, लेकिन अब उसको नहीं लाना चाहते हैं पब्लिक में ना, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है एज ए फ्रेंड है, ओके ठीक है कि नहीं। गाइस आप लोग को और पचमा ग्लास को देखना है तो आप लोग मेरा चैनल को जल्दी जल्दी शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, और कुछ नहीं बस बस, और क्या चाहिए जिंदगी में, और इसे इसे भी सपोर्ट करते रहे। ऐसा गेम खेलना सिखाएगा ना आपको जिंदगी में नहीं सिखाया होगा, ऐसा कास्टिंग कर देगा ना किसी ने देखी ना, किसी ने देखी नहीं होगी। चैनल का इनका जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें जो पबजी खेलते हैं, नहीं कीजिएगा तो हम आ रहे हैं आपके घर। तो गाइस हम लोग अब यहाँ पे पानी वानी लेने के बाद दिखाते हैं कहाँ जाएंगे हम लोग, मंजर आगे का उधर जाएंगे, तो वहाँ भी देखे कुछ अच्छा अच्छा है चीज सब है कि नहीं। ये आ रहे हैं बस चंबल देखने, सुगर मंडल देखने, के एस टी में बहुत कुछ देखने आए हैं। और आप भैया मैं तो ये तो यही सपोर्ट करना ओ आप तो लोकल है ना, इनको कुछ हो जाए तो बचाने के लिए रिक्स खेलते हैं, ये तो अलग लेवल का खिलाड़ी है। हाँ ये तो अलग लेवल, हम अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, हमारे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं किस लेवल के खिलाड़ी। तुम कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? बस पता है ये हमको देखी ना इसलिए जा रही है, क्या कि वहाँ देख लिए वो गेट पे तो मेरे पीछे जा रही है, वो हम लोग को फॉलो कर रही है, लेकिन हम लोग सख्त हैं, पिघलेंगे नहीं, पिघलना नहीं है, नहीं हट बर्बाद है, ये सब बर्बाद कर देगा आपको, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। अरे गाइस इसको जल्दी से सपोर्ट कीजिए, ये तो पहले से पिघले हुए हैं दो तीन ठो से सॉरी, ये तो हमारे सुपर सीनियर है। कहाँ पे आपका फेवरेट प्लेस है बताइए, जहाँ आप आते थे अपने बेस्टी के साथ? नहीं बोल रहे हैं सॉरी भैया, ए सही बात है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल सही बात। देखो ये मेरा जगह एक फेवरेट था, यहाँ पे एक चेयर था, यहाँ पे किसके साथ आते थे? नहीं अकेले आते थे। ओ अकेले तो इतना बड़ा पागल कोई अकेले नहीं आता है, यहाँ एक चेयर था समझा। हाँ ऐसा ही हाँ बना हुआ, कहाँ कहाँ बताइए और प्लीज बताइए गाइस, ये जगह अकेले आते थे, यहाँ बैठा कीजिए, देखते हैं प्रोटेक्शन भी है पीछे से, मतलब धूप का प्रोटेक्शन, आप कुछ और मत समझिएगा। और मैं फेवरेट स्पॉट बताते हैं दिखाइए, ले चलते हैं आपको गाइस, ये बंदा इंजीनियर है, इनको फॉलो करें, मतलब कैसा लग रहा है आकर, लॉन्ग टाइम आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और बताइए कैसा लग रहा है? मतलब सही लग रहा है, 7 साल बाद आ रहे हैं तो ठीक है, मतलब चमक के बाद ये सब झूला उस टाइम पे नहीं था। हमको तो एक ही चीज लग रहा है, क्या ठंडा लग रहा है यहां, ओह माय गॉड, काहे कि वहां धूप लग रहा था। हंस रही है बाबू, क्या फ्लैट हो गए, सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं डार्क सीक्रेट ऑफ, हाँ जानना चाहते हैं हम, आइए ले चलते हैं, क्या होता है चंबल में। तो जैसे आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ना एक बेंच लगा हुआ था और एक स्ट्रीट लाइट टाइप का ना वो लगा हुआ था, यहाँ
तो यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था, मतलब किसी के साथ, मतलब था तो साथ ही, मतलब किसी के साथ था, हम वहाँ बैठे हुए थे, वो दिखा और वहाँ जो गोल किया हुआ, एक मिनट जूम करने दीजिए, वहाँ जो गोल किया हुआ वहीं बैठे हुए हैं, जहाँ कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा है। चलिए, वो मेरे को देख नहीं पा रहा था वहाँ से, ठीक है, तो मैं देखा उसको यहाँ पे बैठा हुआ था, उसके साथ उसकी दोस्त भी थी। उसके बाद जो है ना, बता नहीं सकते, इतना मतलब चीप हरकतें मैंने देख लिया ना, मतलब गलत पोजिशन में बैठा हुआ था, पोजिशन नहीं पूरा ही गलत था। ठीक है, तब अब बिहाइंड द सीन बात करते हैं इसके बारे में, चर्चित होता है, चर्चा होगा क्या है कि नहीं, जरूर है, बताइए आप कुछ, और हमारा एक दोस्त, अरे आप भी कुछ मैटर में फंसल थे, बताइए बताइए, यही था, कोई दोस्त नहीं था, यही कोई आदमी नहीं था, इसी के साथ ये घटना हुआ है, झूठ का दोस्त का नाम फंसा रहे हैं, नहीं तुम ही है, तुम ही है, सॉरी भैया आप ही है, रिस्पेक्ट, सॉरी गुस्सा में रिस्पेक्ट को हटा दिए, गुस्सा में थोड़ा निकल जाता है गाइस, लेकिन इधर उधर हो जाता है, ठीक है ठीक है, बताइए तुम क्या दिखा रहे हो, ये सब बिहाइंड द सीन दिखा, बिहाइंड द सीन, हाँ, अरे साला हमको पता नहीं था, आप कैसे देखे हो भाई, तुम क्या बात कर रहे हो, वहाँ क्या है, हमको तो दुगो मुंडी दिख रहा है, हाँ, तो और बता रहे हैं ना, ये जो एरिया, हाँ, है ना, ये कपल के लिए बहुत ही बेहतर एरिया है, कहाँ कहाँ, मतलब कपल कहाँ कहाँ के बैठे, जैसे पीछे बैठे हुए इस तरह बैठे, और कहाँ का, और कहाँ का एरिया बताइए, मतलब यही सब एरिया है, पहले और भी ज्यादा जंगल था ना, अब तो वो थोड़ा साफ ऑफ कर दिया है, ससी लोग आता था, ससी है, ससी है, है झूठ ना, हम विवेक भैया के साथ आते थे, मेरे साथ क्यों आएगा भाई, तुम क्यों आएगा, हाँ भाई आप कहा ये भाई ये तो और गजब करते हैं, बताइए गाइस, ये देखिए अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, याद आ रहा है उमेश भैया को अपना बीता हुआ कल, अच्छा हाँ, तो ये सब एरिया ना, उधर ना बच्चे लोग, बच्चे कहो या चूतिया कहो, उधर कैमरा लेके खड़ा रहता था, बताओ, जो कि अपना इधर पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहा है, वो कैमरा लेके शूट कर रहा है, बताओ, ठीक है, तब यहाँ पे सब आते हैं कि अपना अपना पर्सनल फीलिंग शेयर करने के लिए, कोई बहुत दुख रहता है, कोई बहुत डिप्रेस्ड रहता है, तो अपना अपना पर्सनल फीलिंग शेयर करते हैं, किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं, हाँ जरूर कीजिए आप, कहाँ किसी को डिस्टर्ब करें, क्यों नहीं डिस्टर्ब, कहाँ किसी का प्राइवेसी रिवील करें, गाइस आप लोग कैसे हैं, अभी तो आप लोग क्लास में होंगे, वीडियो देखिएगा ना साथ में बैठ के, अरे देखिए ये हैंडसम मुंडा को ना हम इंस्टाग्राम पे इनका लिंक दे देंगे, इनको फॉलो करें, हमेशा अभी वाला है कि ना, वो तो सोते ही नहीं है, डिटॉक्स जी, हम तो भर दिन भर रात वेट करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, वेट करते हैं ना, वेट नहीं करते हैं, सोच नहीं सकते, चलिए उधर कंटेंट नहीं है आपको, कंटेंट उधर, ठीक है गाइस मिलते हैं, गाइस आप लोग को हम एक ही चीज बताएंगे, कपल लोग ना देख के भाग गया, हम भगाना किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, हम और सपोर्ट है सब में, कि बैठो आराम से बैठो कोई को नाम, लेकिन चीप हरकत जो है ना पसंद नहीं है, मतलब यहाँ पब्लिक प्लेस है गाइस, तो थोड़ा सा बड़े बड़े एज वाले भी आते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है, आप लोग आइए ना, आप लोगों को पूरा सपोर्ट है, देख लेंगे, कॉल कीजिएगा हमको, कोई पकड़ेगा तो हम हैं, है कि नहीं, डीएम कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, डीएम कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, देख लेंगे हम, घूमिए आराम से, कोई करता है ना तो भागिए मत, बोलिए कि हैं हम, दिक्कत क्या है, 18 प्लस है ना बस, चंबल का रास, चंबल का रास से देखिए आदमी ना बिना टिकट के इधर से घुस जाता है, कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग, दिल्ली से, ये लोग दिल्ली से आते हैं घूमने के लिए, कोटा बताइए, कोटा में कुछ घूमने लायक है, कोटा लव है हमारा, कोटा लव है हमारा, सॉरी भाई क्या रहे, कोटा के लव हम उल्टा, अभी चंबल का दिखाते हैं हम, अद्भुत नजारा, मतलब हम लोग लगभग अब निकलने वाले हैं, चंबल से जा रहे हैं, हर कदम पे ना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखिए पानी दिखाइए, इसी से पूरा चंबल ना ठंडा रहता है, डार्क सिगरेट आइए आपको ले, वहाँ जब हम आते थे चिंटू भैया, वहाँ 7 साल पहले जब आते थे चिंटू भैया, तो उसमें बैठा करते थे, अरे झूला हम लोग के लिए नहीं, हम लोग के लिए नहीं झूला, तुम लोग को झूलना है, नहीं नहीं झूलना है, झूलो, अरे तुम लोग को बुरा लगा, सॉरी बैठो,
आपका वेट बहुत ज्यादा है। ठीक है गाइस, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया, झूला उन लोग झूल रही थी, उन लोग को बोल दिया हम क्या कि जाओ यहाँ से, तो थोड़ा दिल पे बुरा ले ली और जा रही है। हम बोले कि सॉरी, बोली लेकिन कोई बात नहीं, सब डिटॉक्स का हाथ है जी भाई, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, यार ने पूरा का पूरा डिटॉक्स ही है। हाँ हाथ ही नहीं वो, हम तो कभी भी अगर चंबल गार्डन आते हैं तो भैया की दुकान पे जरूर कोल्ड ड्रिंक सब कुछ पिए, बहुत अच्छा मिलता है। क्या है कि नहीं, कैसा लगा? मतलब सब कुछ अच्छा था, हम लोग तो कुछ कुछ खाए भी, सब कुछ अच्छा था। बताइए दुकान के बारे में कुछ। भैया के यहाँ बहुत दिन से आ रहे हैं, मतलब बहुत पुराने हैं, 7-8 साल के बाद यहाँ पे आए हैं, बट वही भैया हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छा, मतलब हमेशा से व्यवहार रहा भैया का दुकान। ठीक है गाइस, आप लोग आया कीजिए इस दुकान पे, बहुत अच्छा, एकदम सही दाम पे सब कुछ मिलेगा और अंदर में जो है वो तो आइए। ठीक है,